कैब ड्राइवर से हुआ अनोखा फ्रॉड। मैं फ्रॉड किया कुछ ड्राइवर्स के नाल ते मैं उन्होंने झूठ बोल के पैसे ले सी। ठगी का शिकार हुए कैब ड्राइवर्स। दवाई लेने के बहाने ठगी करता था आरोपी। मैं झूठ बोल के पैसे लेते कि मैंने मेडिसिन से पैसे कट कर रहे हैं, मैंने हेल्प कर दो, मैं तुम्हें जाके देना। कई ड्राइवर्स को बना चुका है शिकार। कितने पैसे लेते हैं इनको? 2500। हाँ, कितने कितने ड्राइवर ने ठगे की? मैं 4-5 बार एक काम किया है जिसे कि मैं अपनी गलती नहीं मानता, मैं एग्री कर रहा हूँ कि हाँ मैं किया है। अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि पैसेंजर्स कैब ड्राइवर की ठगी का शिकार हो जाते हैं। कभी पैसेंजर्स को लूट लिया जाता है तो कभी उनसे मारपीट की जाती है, लेकिन कभी ड्राइवर्स ठगी का शिकार हुए हो ऐसा बेहद कम सुनने को मिलता है। चंडीगढ़ से एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है जहाँ कैब ड्राइवर्स ठगी का शिकार हो रहे थे। क्या है पूरा मामला जरा डिटेल में सुनिए। मेरा नाम संजीव है, संजीव सुनेजा, मोहाली 4 फेज से रहना जी। अच्छा, मैं फ्रॉड किया है, मैं मोहाली 4 फेज से ही पिछों भी बॉर्न एंड ब्रॉड मोहाली रही है। तो मैं फ्रॉड किया है कुछ ड्राइवर्स के नाल, तो मैं उन्होंने झूठ बोल के पैसे ले सी। मैं मेरे माँ प्यो मेडिसिन लेनी है। माँ प्यो सीरियस ने? दादा जी एडमिट है। हाँ, मेरे पिताजी 4 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। हाँ जी, तो मैं गुड़गांव में झूठ बोल के मैं झूठ बोल के पैसे लेते कि मैंने मेडिसिन से पैसे कट कर रहे हैं, मैंने हेल्प कर दो, मैं थानू जाके देना। कितने पैसे लेते हैं इनको? 2500। हाँ, कितने कितने ड्राइवर ने ठगे भी दसो। 2500 क्या? मैं बहुत ड्राइवर ने ठगे भी बोलो। मैं 4 बार भाई तुम बोलो मैं ड्राइवर ने ठगया। कितने बार? मैं 4-5 बार एक काम किया है जिसे कि मैं अपनी गलती नहीं मानता, मैं एग्री कर रहा हूँ कि हाँ मैं किया है, मैं माफी भी मांगना चाहूँगा। ट्राई सिटी के कैब ड्राइवर्स हुए शिकार। ट्राई सिटी के कैब ड्राइवर्स का बीते दिनों से एक ऐसे चालाक ठग से पाला पड़ रहा था जो शक्ल से दिखने में अच्छे परिवार का लग रहा था। युवक की अच्छी पर्सनालिटी देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि ये इंसान ठग हो सकता है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये युवक चंडीगढ़ और मोहाली के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक कैब बुक कराता था, जिसके बाद कैब चालक को दूसरे अस्पताल पहुंचने पर कहता था कि वो गलती से अपना पर्स मरीज के पास छोड़ आया है, जिसके बाद कैब चालक को अपनी बातों में फंसाकर उससे 2000 से लेकर 2500 रुपए मरीज की दवाई लेने के नाम पर ले लेता था। कैब ड्राइवर्स को बातों में फंसाता था आरोपी। दरअसल आरोपी कुछ समय से अलग अलग चालकों के साथ ठगी कर रहा था। वो अपनी अच्छी पर्सनालिटी और मासूमियत के चलते ठगी करता था। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक के लिए कैब बुक करता था। कैब ड्राइवर को कहता था कि दूसरे अस्पताल से दवाई लेकर उसे पुराने अस्पताल में ही ड्रॉप करना है। ऐसे में कैब ड्राइवर को भी उस पर विश्वास हो जाता था। पर्स पुराने अस्पताल में मरीज के पास छूट जाने की बात कहकर दूसरे अस्पताल से दवाई लेने के लिए कैब ड्राइवर से वो कुछ पैसे उधार लेता था और फिर अस्पताल में मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो जाता था। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया ठग। आरोपी की पहचान मोहाली फेज 4 के संजीव अनेजा के रूप में हुई है। बीती रविवार शाम पीजीआई अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर ये ठग पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की मदद से इसे पकड़ा गया। वीडियो में आरोपी ठग 4 से 5 वारदातों को कबूलता है। साथ ही वीडियो में आरोपी ठग ने कैब ड्राइवर से माफी भी मांगी है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ठगी का शिकार हुए कैब ड्राइवर्स को इंसाफ मिल पाता है या फिर नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।